एक बार फिर से खुदावंद की हजूरी में, जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ तो अपने हाथों को, ओवरफ्लो सेक्शंस में भी, सब जगह जो पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में, और एक चीज जो मैं हर संडे बताता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो परिवार है, ये वो जगह है जहां का सिर, इस परिवार का जो सिर है, जो अगुवा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, नहीं तो आज जब लोग हमें बुरा भला बोलते तो हम तलवारों के साथ उनसे लड़ते, जैसे बाकी करते हम भी वैसा ही करते। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने नहीं कहा कि अगर कोई ईसाई बनेगा तो मैं उसको चंगा करूंगा। उन्होंने कहा जो कोई अब मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक होगा, वो फाइनेंशियल होगा, वो देश का होगा, वो परिवार का होगा, वो आत्मा का होगा, वो शरीर का होगा, वो मानसिकता का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, सबसे नीचों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं मैं इनको इतना ऊंचा और ब्लेस करूं कि वो शर्मिंदा हो। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा की सहायता से एक बात देख रहा हूं, आप बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हैं। आपको जो लगता है ये लोग बहुत बड़े आपसे सुसमाचार सुनने के लिए आने वाले, आपसे मैंने कहा आपके बच्चों के अंदर आज के दिन परमेश्वर महानता का, ग्रेटनेस का बीज डाल रहे यीशु मसीह के नाम। मैं ये बातें अपने आप से नहीं कह रहा हूं और विश्वास से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बातें वो कह रहा हूं जो मैंने देखी हैं अभी, परमेश्वर जो मुझे दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने कहा बड़े लोगों को सुसमाचार देंगे, जो लोग कोई मायने रखते हैं आप उनको सुसमाचार देने वाले हैं। मैं देख रहा हूं बड़े लोगों को आपकी बात बहुत ध्यान के साथ सुनते हुए यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे कर्ज आज से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, सारे श्राप खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारी रुकावटें खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ आमीन। ऊंचा और याशीष तो ऊंची होगी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज़ें बोलो हालेलुया। तो नए लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह धर्म जात को बनाने नहीं आए, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आए। आमीन। तो लोग बोलते हैं नाम क्यों चेंज करते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन बनते ही। अगर आपका नाम दुखी दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा। अगर आपका नाम गरीब दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है नाम आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को दिखाता है। आपका नाम, आप अपने नाम से ऊपर नहीं जा पाएंगे कभी भी। इसलिए बाइबल कहती है उसने, खुदा ने यीशु को ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर था, कि हर एक चीज उसके नाम के सामने घुटना टेके। लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब की पत्नी जिससे वो प्यार करता था, राहेल, जब उसके बेबी पैदा होने लगा तो बाइबल कहती बेबी पैदा करते करते वो मर गई, और मरते मरते उसका नाम रख गई बेनोनी, यानी दुख का बेटा। और बाइबल कहती वो औरत जो थी वो आत्मिक औरत नहीं थी, वो झूठ बोलती थी, परमेश्वर के अलावा और भी चीजों को मानती थी, लेकिन सुंदर थी और इसीलिए धोखे में रही शायद। और बाइबल कहती जब उसने बेटे को पैदा किया और मर गई, और उसने कहा इसका नाम बेनोनी है, उसका पति याकूब आया और उसने, याकूब ने कहा नहीं इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन होगा, हिंदी में बिन्यामिन जिसे आप बोलते हैं। सुनो मेरी बात, याकूब जानता था कि तुम तो अपनी कर्मों की वजह से मर गई, लेकिन मरते मरते अपना श्राप, अपना दुख मेरे बेटे में क्यों रख गई हो।
कि इसका नाम अब बेनोनी नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और बाइबल कहती कि याकूब अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुआ जब तक उसने प्रार्थना नहीं की, और प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत उसके सपने में आके उसके साथ बात करता है, उसके बाद सामने आके लड़ता है और बोलता है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर तेरा नाम यही रहेगा तो इस नाम के कारण तू हमेशा पाप में फंसता रहेगा, और इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा कि शुद्ध मन वाला। और तब से यहूदी लोगों को इज़राइली कहा जाने लगा, क्योंकि वो इज़राइल का नाम याकूब से आया था। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो, जैसे मेरे फादर ने जब बैप्टिज्म लिया उनका नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम पहले से ही बिब्लिकल था, पॉजिटिव था, जीवन। मेरे मदर ने लिया, वर्षा, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह नाम बदलने आपका नहीं आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, वो जीवन बदलने आए। आमीन। मैंने अपने नाम के साथ यूसुफ लगाया ताकि मेरी हदें बढ़ सके। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए जो लोग पहली बार आए, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, उसे आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपकी अमीरी गरीबी से कोई मायने नहीं, वो कुछ मतलब नहीं रखता। अगर आप विश्वास करेंगे बचाए जाएंगे। आमीन। जब मुझे बाइबल दी गई थी और जब मैं इस विश्वास का विरोधी था और बोलता था कि क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, और जब मेंटली अपसेट के अटैक हुए, जब बीमारियां आई, जब सुसाइड करने तक पहुंच गया, तब एक व्यक्ति ने बताया कि बाइबल में तो ईसाई धर्म नाम का एक शब्द तक नहीं, तो किस धर्म की बात कर रहा है, कौन से धर्म के लिए लड़ रहा है तू? तो यीशु मसीह पे विश्वास कर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तुझे उद्धार देगा, जो कोई नहीं कर पाया वो करेगा। और जब बाइबल पढ़ी सच निकला। आमीन। क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं था, मैं जानता था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था तब, मुझे मालूम था, इंटरनेट की नॉलेज थी, सब कुछ पता था, और खुद स्टडी किया, खुद परखा, खुद पढ़ा, खुद गया। आज मैं आपके सामने हूं, एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ जो लोग पहली बार आए आज, बाकी सब जन भी ये प्रार्थना करें ताकि वो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर सकें। आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता है। मैंने सुना है जो कोई आपके पास आए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपने उसे कभी वापिस नहीं भेजा। मुझे स्वीकार करें अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में, मुझे खाली ना भेजें, अपना बेटा अपनी बेटी का अधिकार आज मुझे दें, अपना आत्मा मेरे दिल में भेजें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। एक मसीह व्यक्ति को बढ़ना जरूरी है ऊपर की तरफ, यानी उसकी जिंदगी में टेस्टिमनीज होनी जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपके आपको देखते हैं वो सबसे पहले आपकी टीचिंग, आपकी डॉक्ट्रिन को नहीं देखते, वो आपकी लाइफ में हुआ क्या सबसे पहले ये देखते हैं। एविडेंस का होना, सबूत का होना आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है, ये बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आज सबूत नहीं है तो कल आएगा आपके पास। टेस्टिमनी श्योर है चर्च, कोई शक नहीं, लेकिन आपको यह बात समझनी है कि एक जयवंत मसीही होने के नाते या बनने के लिए मुझे अपवर्ड, ऊपर की ओर ग्रो करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो ग्रोथ आपकी चाहिए वो नीचे की तरफ चाहिए। अगर आप बुर्ज खलीफा देखते हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वो नीचे भी हैं, बहुत फुट तक, बहुत गहराई तक। जब तक आपकी लाइफ जीरो नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं कर दोगे अपने आप को, आप सेवा में एंटर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपका आप जाग गए, फिर से सेवा खत्म हो जाएगी।
अगर तुम मेरा पीछा करना चाहे और अपना क्रूस ना उठाए तो तुम मेरे योग्य नहीं। अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, खेत, सब लोगों को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करे तो तुम मेरे योग्य नहीं।